अर्थ यानी कि पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। इंसानों को पृथ्वी पर आए हुए अभी कुछ ही हजार साल हुए हैं। पिछले कुछ दशकों में इंसानों ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत ही तेजी से विकास किया और आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ सवाल ऐसे हैं जो हमारे दिमाग में घूमते ही रहते हैं कि आखिर पृथ्वी, चंद्रमा, सूरज और रात को जो आप तारे देखते हो वो कहाँ से आए, ऐसा क्या हुआ जिससे ये सब बना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फैक्टे केवन। तो चलिए आज इन सब को देखते हैं और जानते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ और क्यों। तो इसे जानने के लिए हम 13.8 अरब साल पहले चलते हैं, नहीं थोड़ा और। आज से 13.8 अरब साल पहले स्पेस मतलब के अंतरिक्ष एक एटम से भी छोटे बिंदु में सिमटा हुआ था। एक एटम से भी छोटा ऊर्जा का कण जो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, जो कुछ भी होने वाला है और जो कुछ भी बनने वाला है वह सब इस छोटे एटम से ही बनने वाला है। इसका सही कारण वैज्ञानिकों को भी नहीं पता, लेकिन इस एटम में अचानक रहस्यमय तरीके से विस्फोट हुआ और एक एटम से भी छोटा कण एक सेकंड से भी कम में एक आकाशगंगा से भी ज्यादा बड़ा हो गया, जिसे आज हम बिग बैंग विस्फोट के नाम से जानते हैं। इस विस्फोट में इतनी ऊर्जा निकली जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये ऊर्जा तारों की रोशनी के रूप में, ब्लैक होल्स, गैलेक्सीज, ग्रहों के रूप में इस ब्रह्मांड में विद्यमान हैं। इस अंतरिक्ष में आज आप जो कुछ भी देख रहे हैं, जितने तत्व, जहां तक के इंसान भी, इन सब की शुरुआत इस ऊर्जा के छोटे से स्रोत से हुई। अंतरिक्ष तो बना, लेकिन अभी तक तारों, ग्रहों और उपग्रहों का बनना अभी बाकी था। बिग बैंग विस्फोट के 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड में प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनने लगे और इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मिलने से ब्रह्मांड का जो सबसे पहला परमाणु बना वो था हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन ही बना इस ब्रह्मांड के निर्माण में सहायक। इस हाइड्रोजन परमाणु में ग्रेविटेशन फोर्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया। इन परमाणुओं को इन्हीं की ग्रेविटी पास में ला रही थी। लगभग 300 करोड़ साल बाद ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इन परमाणुओं का दबाव इतना हो गया कि इनका तापमान 1,700,000 डिग्री के पास तक पहुंच गया, जिसके कारण हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़ने लगे, जिसके कारण एक नया तत्व बना जो था हीलियम। इस हीलियम से बहुत ऊर्जा निकली जिससे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश हो गया। इस प्रकार ब्रह्मांड का सबसे पहला तारा बना और इसके बाद अन्य तारे बनने लगे। इस तरह अंतरिक्ष में आए तारे, इससे पहले के टाइम को डार्क टाइम भी कहा जाता है, क्योंकि तारे बनने से पहले ब्रह्मांड में चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। अभी तक ब्रह्मांड में केवल दो ही तत्व मौजूद थे, हाइड्रोजन और हीलियम, लेकिन तारों में कुछ ऐसी प्रक्रिया चल रही थी जो अन्य तत्वों का निर्माण कर सकती थी, जैसे हाइड्रोजन से बना हीलियम और हीलियम से बना लिथियम। इसी तरह कार्बन, नाइट्रोजन और बचे हुए तत्वों का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड में बने तारे ग्रेविटी के कारण एक दूसरे के पास आने लगे थे और एक समूह में रहने लगे, और यह क्रिया करोड़ों साल तक चलती रही। इस तरह लाखों, करोड़ों और अरबों गैलेक्सीज और आकाशगंगाएं बनी। इन सभी गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी ऐसी थी जहां पर हमारी
प्यारी पृथ्वी बनने वाली है, जिसका नाम है मिल्की वे। इस गैलेक्सी के अंदर खरबों तारे मौजूद थे, लेकिन अभी तक स्पेस में छोटे छोटे धूल के कण तैर रहे थे जो ग्रेविटेशनल फोर्स से सामने आने लगे। लेकिन करोड़ों सालों के बाद तारों में अचानक सुपरनोवा विस्फोट होने लगे। बिग बैंग विस्फोट के बाद यह ब्रह्मांड में दूसरे सबसे बड़े विस्फोट थे। यह क्रिया 8 करोड़ साल तक चलती रही। इस तरह पुराने तारों का अंत हुआ और हमारे सामने आए नए तारे। 460 करोड़ साल पहले तारों की निर्माण क्रिया में उस तारे का भी निर्माण हुआ जिसे आज हम सन यानी कि सूरज कहते हैं। सूरज की ग्रेविटी के कारण उसके आसपास मौजूद गैस, धूल और एस्टेरॉयड के शेप के दिखने वाले पत्थर सूरज का चक्कर लगाने लगे। इस क्रिया के लगभग 100 करोड़ साल बाद ग्रेविटी के कारण सूर्य के चारों ओर घूम रहे गैस, धूल और एस्टेरॉयड के आकार के पत्थर एक दूसरे से जुड़ने लगे। इस तरह ग्रह बनने लगे। इनमें सूरज से तीसरे नंबर पर बनने वाला ग्रह था वो थी पृथ्वी। इस समय हमारे पृथ्वी एक गर्म गोले के धधकते हुए लावे की तरह थी और ये सूरज के चारों ओर बहुत ही तेजी से घूम रही थी। पृथ्वी सूरज का एक चक्कर केवल 6 घंटे में लगा दे रही थी। निकल और आयरन जैसी भारी धातुएं पृथ्वी के केंद्र में जमने लगी और जो हल्की चीजें थीं, वे पृथ्वी की सतह का निर्माण कर रही थीं। जो धातुएं पृथ्वी के केंद्र में जमी वे पृथ्वी के मैग्नेट फील्ड को बना रही थीं। जो मैग्नेट फील्ड बना वो अंतरिक्ष तक फैल गया, जो आज हमें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाता है। अभी तक पृथ्वी संतृप्त हो ही रही थी कि अचानक 450 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया। ये एस्टेरॉयड लावे की तरह गर्म पृथ्वी में समा तो गया, लेकिन एक गर्म पुहार स्पेस में चली गई और पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। और लगभग एक साल में ये पुहार एक गोले के आकार में बदल गई जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। अगर और कुछ जानना चाहते हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।